हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं अमरदीन ऑटो राइडर स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, मैं निकल चुका हूं आज एक और नए सफर पे। मैं घर से निकल रहा था सुबह 4:30 बजे के आसपास में, और अभी टाइम हो रखा है 6:10, तकरीबन 60 किलोमीटर के आसपास मैंने बाइक चला ली है। और आज की जो मेरी डेस्टिनेशन है वो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो आज की मेरी डेस्टिनेशन जो होने वाली है वो है शिकारी देवी टेम्पल, जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। और ये शिकारी धार पे स्थित है, जो कि मंडी जिले की सबसे ऊंची धार है। और शिकारी देवी को गॉडेस ऑफ हंटर भी बोलते हैं। मंडी पहले मुझे पहुंचना है, मंडी यहाँ से 60 किलोमीटर और है, और उसके बाद में मंडी से 91 किलोमीटर पड़ेगा शिकारी देवी। सो गाइस, मैप लगा लिया है शिकारी देवी का। अभी हम हैं मंडी में, और यहाँ से 94 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल। पेट्रोल भी डलवा लिया, पता नहीं कहाँ से लेके जाता है, आगे से पता करना पड़ेगा। बढ़िया रास्ता होगा, उसी में से निकलेंगे हम आगे। पेट्रोल पंप वाले भैया से पूछ रहा था, ब्रिज है आगे एक, वहाँ से राइट लेना है। देखते हैं, मंडी 3 किलोमीटर और है। वैसे मंडी स्टार्ट हो ही गया है, मार्केट 3 किलोमीटर होगी, मेन मंडी जो है ये है मंडी शहर पूरा। यहाँ से ये इस वाले शायद ब्रिज पे जाना होगा मुझे, घुसते हैं इधर मंडी टाउन में घुसना है। ये तो दिल्ली चंडीगढ़ चला गया, इससे चलते हैं, रीरूट करवाते हैं इसको। वाह भाई साहब, बड़ा सुंदर ब्रिज बना रखा है। मंडी में मकान लोगों के, इस रास्ते से बोले सही है जाने के लिए। दूसरा रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा ही सिंगल रास्ता है, और कच्चा रास्ता आ गया, इस रास्ते से जाना बेटर है। बारिशें भी हुई हैं, कच्चे रास्तों में तो वैसे भी मुश्किल हो जाएगी। चलो जी, ब्रेकफास्ट करके हम निकल चुके हैं, और धूप भी आ चुकी है। देखो भाई, क्या खूबसूरत दृश्य है, पेड़ सब हरे भरे। सुबह का टाइम है, और हम जा रहे हैं ब्यास रिवर के लॉन्ग साइड रोड, उस पर चल रहे हैं पंडो की तरफ। धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ेंगे अभी, और हाईएस्ट पीक पे चले जाएंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट की। अगर आप मंडी आते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है भुंतर है, कुल्लू में है, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो स्मॉल ट्रेन चलती है वो जोगिंदर नगर है। कितनी हाइट पे आ गए, अब सब दिख रहा है यहाँ से। एक बढ़ के सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं भाई। धीरे धीरे हाइट बढ़ रही है, ठंडी हवाएं भी चलने लगी है अभी। अभी भी 61 किलोमीटर सफ़र और बाकी है,
और देख लो भाई यहाँ से मुझे पक्का रोड मिल गया अभी, ये बढ़िया रास्ता बना दिया है। जंजेली तक का जो रास्ता है ना, बीच में ऐसे इधर काम चला हुआ है तो हमें लोकल रास्ते पे डाइवर्ट कर दिया, तो यहाँ से 8 किलोमीटर के बाद मुझे राइट लेना है, देखते हैं। पॉली हाउस इधर बहुत ज़्यादा है देखने को मिल रहे हैं लोगों के ना, सब्जियों सब्जियाँ उगाते होंगे। इन घाटियों के एक से एक बढ़ के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं भाई, खूबसूरत, अति खूबसूरत। शिकारी देवी मंदिर अभी यहाँ से है 21 किलोमीटर, और ये जंजली से पहले अभी कौन सी जगह ये नहीं पता, और बड़ी खूबसूरत है भाई अभी जगह, क्या ही सुंदर जगह है, ग्रीनरी भर भर के है, घर जो है सुंदर लग रहे हैं, हरियाली हरियाली है। जंजेली 4 किलोमीटर बचा है अभी यहाँ से। खूबसूरती की कमी नहीं है यार, सुबह से जब से मैं चढ़ाई स्टार्ट किया एक से एक बढ़ के नज़ारे, और खेतों में लग रखी है गोभी, लोगों ने गोभी लगा रखी है, और गोभी के साथ में पता नहीं क्या लगा रखे हैं वो तो नहीं पता, गोभी रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, ये भी गोभी के खेत हैं, आते टाइम दिखाऊंगा मैं। इधर कहीं आगे जाके पेट्रोल पंप भी है भाई, कोई बात नहीं, पेट्रोल की आवश्यकता तो अभी है नहीं, ऐसे फिर ये है जियो का पेट्रोल पंप। जंजेली 2 किलोमीटर, और जगह का नाम अभी पता चल जाएगा, इधर तुंगधार ग्राम पंचायत तुंगधार आपका अभिनंदन करती है। तो ये जगह जहाँ जो मैंने आपको दिखाई ये है तुंगधार, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो देखते हैं कुछ मिलेगा भी रास्ते में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। जंगल ही जंगल हैं बाबा, इसके आगे मेरे के ख्याल से कोई मकान मकून नहीं होंगे, लोगों के घर नहीं होंगे, बस जंगल ही होगा ऊपर तक। जंजली तक तो बस आती है चार्टीसी की ना, उसके आगे टैक्सी टुक्सी होती है जिनसे पब्लिक जाती है। तो मेरे को लग रहा है कि असली एडवेंचर स्टार्ट हो चुका है अभी, हैं शिकारी देवी तक का रास्ता बिल्कुल कच्चा है इसके आगे मेरे ख्याल से, बोला उन्होंने नीचे कि 3-4 किलोमीटर के बाद आपको कच्चा रास्ता मिल जाएगा, तो ये कच्चा ही है, पर एक कहीं कहीं जगह ठीक भी है। 6.2 किलोमीटर बता रहा है गूगल मैप तो शिकारी देवी टेम्पल, और ये देखो भाई रास्ते में स्टॉल स्टॉल भी हैं, चाय पाने के लिए जो पब्लिक रुकना चाहे रुक सकते हैं, कोई आएगा तो। सो गाइस अभी मंदिर है 900 मीटर और
और 900 मीटर के बाद में थोड़ी सी चढ़ाई है, सीढ़ियाँ हैं मंदिर तक। उसके बाद में हम मंदिर में माता जी के दर्शन कर लेंगे जाके। सोलह सत्रह किलोमीटर जंजेली से चलने के बाद में हमें फाइनली दिखा है कुछ तो। चलो जी, हम मंदिर के नीचे लगाएंगे अपनी बाइक। बहुत सारी जनता रखी है इधर मंदिर देखने के लिए। यहाँ बस भी आती है HRTC की भाई, तो पता कर लेना जिसको भी आना होगा। चढ़ रहे हैं मंदिर की सीढ़ियाँ, 1000 के आसपास होंगी ये सीढ़ियाँ। आसमान में भी काले बादल हो रखे हैं भाई। अगर बारिश हुई तो रास्ता और रेनकोट की तो बात दूर है, रास्ता बहुत ज़्यादा और ख़राब हो जाएगा, नीचे जाने में और दिक्कत होगी। ये देखो ऊपर से आ रही जनता, वो ऊपर से 8-9 किलोमीटर का जो पैच है ना, ऑफ रोड पैच है, बिल्कुल ख़तरनाक है बिल्कुल ही। मज़े की बात यह है कि बारिश स्टार्ट हो गई है अभी, आज पता नहीं क्या लिखा है भगवान ने किस्मत में, चलो जो भी लिखा अच्छा ही होगा। ठंड लग रही है, बारिश बंद नहीं हो रही है और पूरा वाइट हो रखा है, पूरा बर्फ की तरह ना बजरी गिरी हुई है। मंदिर ऊपर है जाके, अभी क्या भाई रोकी थोड़ी देर, बारिश कम्प्लीटली रुकेगी तब ऊपर जाएंगे दर्शन करेंगे फिर नीचे जाएंगे। बारिश है, ऊपर जाएंगे भीग जाएंगे, फिर ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा है, बीमार पड़ेंगे, तो रुकते हैं अभी थोड़ी देर, इधर बैठ के चाय पानी पीते हैं। ठंड में आ रही है गर्मा गर्म राजमा की दाल और गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, लंच कर लेते हैं। 1:30 तो हो ही चुके हैं मेरे ख्याल से, हाँ 1:30 हो गए, लंच का टाइम तो वैसे भी हो ही गया है भाई, लंच भी कर लिया। बारिश थोड़ी सी बंद हुई है, अभी ओले गिरे ना उसकी वजह से पूरा वाइट हो गया है, ये स्नो नहीं है, ये ओले हैं। हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी में समुद्र तल से 3359 मीटर की ऊंचाई पर बना माता शिकारी देवी का मंदिर आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। आज तक कोई भी शख्स इस मंदिर की छत नहीं लगवा सका। कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि ने यहां पे कई सालों तक तपस्या की थी, उन्हीं की तपस्या से खुश होकर माँ दुर्गा शक्ति रूप में स्थापित हुई और बाद में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ मंदिर का निर्माण किया। ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान एक दिन जब पांडव शिकारी देवी जंगल में शिकार के लिए गए थे, वहां उन्हें एक सुंदर हिरण दिखाई दिया और पांडवों ने बहुत देर तक उस हिरण का पीछा किया लेकिन शिकार नहीं कर सके। अंततः हिरण रहस्यमय रूप में जंगल से विलुप्त हो गया और उसी रात को शिकारी की पहाड़ियों से पांडवों को एक महिला की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें कहा गया था उन्हें उस जगह का पता लगाना चाहिए जहां उनकी यहां माता शिकारी देवी के लिए है, जहां माता शिकारी देवी की प्रतीकात्मक मूर्तियाँ पड़ी हैं और उन्हें लोगों की पूजा एवं इच्छा पूर्ति हेतु स्थापित करना होगा। अतः पांडवों ने तुरंत देवी के निर्देशों का पालन किया और देवी की इच्छा अनुसार पत्थर की मूर्तियां ढूंढ कर एक बिना छत वाले मंदिर की स्थापना की और तत्पश्चात पांडवों को पुनः राज्य की प्राप्ति हुई। क्योंकि ये पूरा क्षेत्र वन्य जीवों से भरा पड़ा है इसलिए शिकारी अक्सर यहां आने लगे। शिकारी भी शिकार में सफलता के लिए माता की प्रार्थना करते थे और उन्हें कामयाबी भी मिलने लगी। तत्पश्चात यह मंदिर शिकारी देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अगर कोहरा नहीं होता ना भाई तो ये सबसे ऊंची पीक है, बाकी छोटी छोटी जितनी भी पीक्स हैं वो सब दिखती है यहाँ से, बट अभी विजिबिलिटी तो जीरो है, कुछ नहीं कर सकते भाई। दर्शन कर लिए, पाँव हो गए ठंडे, बिल्कुल फूल गए हैं ठंड से, और भाई हवा बहुत तेज है, मौसम अभी भी खराब ही है। फाइनली वापस पहुंच गए नीचे हम। ये देखो भाई, यहीं से स्टार्ट किया था हमने चढ़ाई पैदल और अभी वापस आ चुके हैं। डेढ़ घंटा बारिश ने वेट करवाया, डेढ़ घंटा ऊपर हमने एक दुकान पे बैठ के वेट किया। देखते हैं अभी आगे का प्लान क्या है। आते टाइम 6-7 किलोमीटर का पूरा रफ पैच मिला था, अभी बारिश हुई है तो अभी ज़्यादा कीचड़ होगा तो लगेगा पता कि ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है जाना, कीचड़ में ना राइड करना मुश्किल हो जाता है, पूरा कच्चा रास्ता है। ऊपर जाएंगे फ़ोटो खींचने के लिए थोड़ा सा ना, और इस साइड का मौसम तो अभी भी ख़राब ही है, मुझे लग रहा है दोबारा कहीं बारिश ना आ जाए। अब करते हैं फोटोग्राफी थोड़ी देर
उसके बाद निकलेंगे वापस। इसी के साथ मैं गाइस इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। आई होप आप सभी को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आप सभी मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा आप सभी से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। और गाइस नेक्स्ट ब्लॉग देखना ना भूलें, बिकॉज अभी जो आए हैं रफ पैच है, वहाँ पे होने वाला है मोटा एडवेंचर। पूरा बारिश हो रखी है, बजरी ओले गिरे हुए हैं, तो पूरा वो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। 7-8 किलोमीटर का जो सफ़र है वो पता नहीं कैसा रहने वाला है। तो अगला ब्लॉग भी ज़रूर देखें।